सोलन नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है, लेकिन सोलन शहरवासी इस सफाई व्यवस्था से नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से असफल रहा है। उन्हें सफाई व्यवस्था पर दोबारा से मंथन करना चाहिए। शहरवासियों की माने तो शहर से नगर निगम द्वारा कूड़ेदान तो हटा लिए हैं, लेकिन कूड़ा आज भी सड़कों पर ही नजर आता है, जिसकी वजह से जहां एक ओर सोलन की सुंदरता पर ये गंदगी ग्रहण लगा रही है, वहीं दूसरी ओर गंदगी की वजह से कई बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना रहता है। इस मौके पर शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर निगम सोलन द्वारा सोलन शहरवासियों से कूड़ा उठाने के नाम पर शुल्क तो वसूला जा रहा है, लेकिन आज भी कूड़ा उनके लिए एक समस्या बना हुआ है, क्योंकि कूड़ा उठाने वाले लोग ज्यादातर छुट्टी पर रहते हैं। ऐसे में घरों में कूड़ा एकत्र करके रखना एक समस्या बन चुका है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम द्वारा शहर से कूड़ेदान तो उठा लिए हैं, लेकिन अभी भी शहर की गलियों में कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम शहर का कूड़ा व्यवस्था बनाने के लिए पूर्ण रूप से असफल हुआ है। इसलिए नगर निगम को कूड़ा उठाने के लिए कोई नई योजना लेकर आनी चाहिए, ताकि शहरवासियों को कूड़े से निजात मिल सके। देखिए, सफाई व्यवस्था में अभी बहुत सी त्रुटियां है। एक तो समय समय पर जो है सफाई कर्मचारी घर पे समय पे आने चाहिए, क्योंकि लोग ड्यूटी चले जाते हैं, कई उसके बाद भी पहुंचते हैं और कूड़ा वो वैसे ही रह जाता है कई बारी। और ये डेली आने चाहिए लोग जो है, और मैं तो चाहता हूँ कि सड़कों पे डस्टबिन भी लगे होने चाहिए, ताकि ये छोटा मोटा कूड़ा जो लोग जैसे केले के छिलके या कुछ चलते फिरते खाते रहते हैं उसमें डाल सके। और ये तो बहुत अच्छी इनकी व्यवस्था, जैसे जैसे निगम बनता जाएगा और इनमें जो कमियाँ है वो पूरी होनी चाहिए, और सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी बन जानी चाहिए सोलन की, जो कि अभी तक नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है, डोर टू डोर से कूड़ा भी उठाया जा सकता है और उठा रहे हैं, लेकिन समय समय टाइम टाइम के आने चाहिए, सभी एक दिन में दो या बार तो आने ही चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हैं वो डोर टू डोर रैक पिकअप करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलर नहीं है। जब वो आते ही नहीं डेली तो आप कैसे करेंगे, सेग्रीगेशन भी कैसे कर पाएंगे? आप सेग्रीगेशन एक जो ड्राई है और एक गीला है कर तो दे, हमें करना भी चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा हेल्प कर दें गवर्नमेंट के साथ तो वी डोंट माइंड। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि तब फायदा है कि अगर वो डेली आए। तो कॉरपोरेशन से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जब बनेगा कॉरपोरेशन तो दे शुड बी मेक इट अ पॉइंट कि ये रेगुलर हो, रेगुलरली वो आके कचरा उठाएं, तभी इसका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। देखिए, अब कॉरपोरेशन बन गई है, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सेग्रीगेशन घर पर ही होगी और उसके बाद उसी ढंग से उसकी कलेक्शन होगी, तो आगे आने वाले समय में कूड़े की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सिर्फ मेरी एक ही दरख्वास्त है कि जो लोग अभी भी डोर टू डोर कलेक्शन में मदद नहीं कर रहे हैं और वो सड़कों पे कूड़ा डाल देते हैं, विशेष रूप से जैसे हम लकड़ बाज़ार में रहते हैं वहाँ भी हम देखते हैं, वो वही लोग हैं जो जिनके घर से डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है और जो उसके चार्जेस दे रहे हैं, उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से जितने भी लोग हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उसी से ही सैनिटेशन अच्छा हो सकेगा।